नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए भारत ने शानदार जीत दर्ज की। छोटे टोटल को भारत ने शानदार गेंदबाजी के दम पर डिफेंड किया था, लेकिन इस मैच में एक तरफ जहां मोहम्मद शमी की हैट्रिक की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया और अफगानिस्तान की जर्सी की भी बात हो रही है। दरअसल मैच के दौरान टीम इंडिया की जर्सी पर चीनी कंपनी ओपो और अफगानिस्तान की जर्सी पर भारतीय कंपनी अमूल का लोगो देखकर लोग हैरान रह गए। सवाल किए जा रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम चीनी कंपनी का लोगो और अफगानी टीम भारतीय कंपनी का लोगो पहनकर कैसे खेल रही है। तो आइए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। दरअसल 1 अप्रैल 2017 को चीनी मोबाइल फोन कंपनी ने भारतीय टीम के स्पॉन्सरशिप राइट्स को 5 साल के लिए 1,079 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो 2022 तक जारी रहेगा। तो वहीं अमूल ने भी विश्व कप से पहले अफगानिस्तान टीम के साथ करार किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है, अमूल इससे पहले भी न्यूजीलैंड और हॉलैंड क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर चुकी है। वैसे अफगानिस्तान क्रिकेट की उपलब्धियों के पीछे भारत का बड़ा योगदान माना जाता है। एक तरफ जहां अफगानिस्तान के घरेलू क्रिकेट मैदान भारत में है, वहीं उनको बीसीसीआई से भी अफगानिस्तान को हमेशा मदद मिलती रही है। अफगानिस्तान अपनी घरेलू सीरीज ग्रेटर नोएडा और देहरादून के मैदान पर खेलती है, तो वहीं क्रिकेट से अलग भारत और अफगानिस्तान दोनों देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अशांति वाले इलाके में शांति स्थापित हो। तो इस लिहाज से क्रिकेट इस मामले में भारत की कूटनीतिक रणनीति को और भी मजबूत करने में मदद करेगा। अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू ने कहा कि अमूल की स्पॉन्सरशिप से भारत को अफगान लोगों से दोस्ती के मजबूत संबंधों को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तो वहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने भी अमूल के अफगानी टीम को स्पॉन्सर करने को लेकर खुशी जाहिर की है। वैसे आपको बता दें कि अफगानिस्तान टीम का प्रदर्शन अब तक इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं रहा है और वो एक भी मैच नहीं जीत पाई, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, मजबूत टीमों से लड़ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले मैचों में ये छोटी टीम कोई बड़ा उलटफेर कर दे।